भाई ये तो ये कह रही है आ जाओ दोस्तों खा लीजिए आलू। कह रही लल्ला के पापा लल्ला ले लो। ला भाई उज्जवल आ जाओ आ जाओ। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्ती होंगे और हम भी आज मस्त हैं, काफी खुश हैं। हमारी सुहानी जी देखो साथ में है आज। काफी दिन से आपका सवाल था कि भाभी जी के साथ में वीडियो लेके आओ, तो आज भाभी जी के साथ में ले आए। भाभी जी कहने लगी आज हमें वीडियो में ले लो, यही ना? हाँ। तो दोस्तों आज जा रहे हैं हम अपनी मौसी जी के यहाँ पे। लोगों की दावत होती है, कहीं किसी की चिकन की होती है, खाने की होती है, काफी प्रकार की होती है। तो आज हमारी दावत है आड़ू वाली। तो हमारा मौसेरा भाई यार काफी दिन से बुला रहा है, मौसी जी बुला रहे की आड़ू खाने आ जाओ, क्यों पास में पड़ता है गाँव, मुश्किल से 2-3 किलोमीटर, और लॉन्ग रास्ते से निकलते हैं तो 10 किलोमीटर पड़ता है। तो हमने शॉर्ट रास्ता एक पकड़ लिया जो कि नदी को होके लेके जाता है, अभी पटरी पड़ेगी ये, इस रास्ते से हम निकल रहे हैं। देखो घना जंगल है और यहाँ पे अभी आगे नदी पड़ने वाली है, जो गांव का नाम है बांकौली। इससे पहले मैंने ब्लॉग डाला था, तो अभी काफी मजे आने वाले हैं। दोस्तों जब से हम श्री केदारनाथ धाम की यात्रा करके आए तब से यार कहीं आने जाने का भी मौका नहीं मिला है और ब्लॉग बनाने का भी मौका नहीं मिला था कि हम अपनी सुहानी बेबी जी के साथ में ब्लॉग बनाए, क्योंकि यार प्रॉब्लम काफी हो गई थी, इनकी भी तबीयत खराब हो गई थी और उधर जो है इनकी मम्मी जी का ऑपरेशन हुआ था, यानी हमारी सासू माँ जी का, उसकी वजह से दोस्तों कोई ब्लॉग नहीं बना पा रहे थे। तो आज फैमिली ब्लॉग हमारा आया है और चलते हैं मौसी जी के यहाँ पे, क्या कहती हो? चलो दोस्तों चलते हैं मौसी जी के गांव। हाँ भाई चलते हैं मौसी जी के गांव, अब दिखाते हैं आपको मौसी जी का गांव। उज्जवल बाबू हमारे देखो दूध पीने में मस्त लग गए हैं, दूध तो नहीं है भाई, दोपहर का टाइम है तो अभी पानी पिलाया है। गर्मी में दूध से ज्यादा पानी की वैल्यू है, क्यों भाई उज्जवल? एकदम मूर्ति बन गया है, इतना सीधा लग रहा है दोस्तों, ये है नहीं और ना ही इसकी मम्मी, आप समझ सकते हो। तो चलते हैं दोस्तों फिर है? चलो फिर चलो, बाय कर रहा है, बाय 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 अभी नहीं करेंगे, तो चलते हैं फिर है? चलो आप ये पता है क्यों कर रहा है? ये इसकी आदत मैं बताऊं दोस्तों आपको, ये क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है? आगे बैठने के लिए, बोल तो पा नहीं रहा है। और भैया जब भी कहीं पे निकलते हैं तो ये गाड़ी पे आगे बैठता है, इसकी गंदी आदत आप लाइव देख सकते हो। चलो चलते हैं, चलें चलो चलो, देखो आप देख सकते हो इस तरीके की हरकतें हैं इसकी, तो अब इसे आगे बैठालना होगा। चल भाई आजा, नहीं मानेगा मुझे पता तो कितना जिद्दी है। अब ये बैठे हमारे उज्जवल बाबू आगे, ये ऐसे करके, अब देखो सबसे पहले ये हैंडल पकड़ेंगे, पकड़ो भाई बढ़ाओ, चलें चलो उज्जवल भाई, बाबू चलें, बाय करो पहले, बाय करो, बाय। तो चलते हैं दोस्तों फिर, हंस दो, हंस दिया हमारे बाबू ने, हंस दिया, तो चले। ऐसा रास्ता है बिल्कुल जंगली, एक चकदोड़ की तरह जो नदी को होके निकलता है, एक बहरी कस्बे होके निकल के आता है, तो काफी कई किलोमीटर का सफर बचा लेते हैं हम, जो कि अब नदी आ गई है सामने, देख रहे हैं ना किस तरह का यहाँ पे रोड है। और शॉर्टकट जब भाई जब शॉर्टकट मारोगे तो पापड़ तो बेलना पड़ेंगे, इतना रेता है यहाँ रोडों पर कि गाड़ी फिसल फिसल जा रही है, वो मैं इसीलिए आपको वीडियो दिखा रहा था। तो चलते हैं अब यहाँ से, हमारी गाड़ी फंसते हुए रेत में, जो कि आप देख ही सकते हैं दोस्तों, देखना ना किस तरह का यहाँ पे रेत है, जमीन में रेत है बिल्कुल यहाँ पे इस ग्राउंड में, और गाड़ी फंस चुकी है भाई, अभी बच गए नहीं तो फिसल के गिर जाते। और इधर देखना ना आप हमारे पीछे, ये है पालेजे, जो कि अभी कद्दू यानी कि गंगा फल बोले तो कदुआ की खेती है, ये कदुआ की पालेज है, और तरबूज है, खीरे हैं यहाँ पे, सब तरीके के यहाँ पे पालेजे हैं नदी पर। तो अभी धूप ज़्यादा है इसीलिए दिखा नहीं पाऊंगा दोस्तों मैं, वो सामने पटरी है, ये हमारे मौसी जी का गांव है, तो चलते हैं मौसी जी के गांव में, ये पटरी है, जो पटरी होके अभी हमें गाड़ी निकालना है। भाई धूप पड़ रही थोड़ी बहुत, बहुत पड़ रही है, तो भाई यहाँ से निकलते हैं जल्दी से, ब्लॉग बनाने चक्कर में कहीं स्वास्थ्य खराब हो जाए। चलो भाई उज्जवल,
पटरी पर जो हम आ चुके हैं, जो कि अभी हमारी स्वानी बेबी अभी काफी डरने वाली है, अभी काफी मजा आएगा। बात कर रहा था मैं इन पालेजों के बारे में। देखो ये देखो लौकी है, जो सभी लोग जानते होंगे ये लौकी होती है, और ये हरी मिर्च के पेड़ है, और ये तुरई है काली। देखो ये है ना, ये काली तुरई है। इस तरीके की यहाँ पे पाले जो होती है नदी किनारे, क्योंकि जो पानी का गर्मियों के सीजन में जो पाले जो होती हैं वो नदी के किनारे इसलिए की जाती हैं ताकि जो पानी का भाव होता है वो ज़्यादा रहता है, कील ज़्यादा रहती है रेते में, जो नदी का रेत होता है उसमें कील पानी ज़्यादा ठंडक रहती है, इसकी वजह से पाले जो होती हैं। बाकी हमारी खेती ऐसी बात की जाए तो दोस्तों हमारा तो गन्ना ही बिल्कुल सुहाव होने वाला है, धूप की वजह से बारिश भी नहीं हो रही है। हे भोलेनाथ, हे भगवान, सुन लो यार, बारिश भी कर दो, काफ़ी नुकसान हो रहा है खेतियों को। उधर से जानवर परेशान कर रहे हैं, बोला जाए तो बिजार, और उधर ये धूप की वजह से सारी खेती हमारी ख़राब हो जा रही है। वो सबसे पहले हम इनको करके आते, पहुँच जाओगे या पहुँचा के आए? चले जाओगे, आराम से रहिए भैया। देख रहे हो पटरी, देख रहे हो, अगर पैर चला गया तो सीधे गुड़ नीचे पहुँचवा देते हैं भाई, हम ही कहीं मालूम पड़ जाते चल जाएंगे। ऐसा लग रहा है भाई, ये पटरी भी सही नहीं, बिल्कुल गल चुकी है, आप देख ही सकते हो, काफ़ी डर तो लगेगा ही भाई ऐसी चीज़ों से अगर निकल के जाएंगे, यहाँ पे कोई डर नहीं, गाड़ी दे के आएंगे निकाल। कह रही लल्ला के पापा लल्ला ले लो, ला भाई उज्जवल आ जाओ, आ जाओ, हमने ले लिया है। पटरी भी कुछ ऐसी गली है, बिल्कुल काफ़ी डर लग रहा है, देखो एकदम झूल रही है, आराम से आना। आ चुके हैं हम तो, आ गए भाई। अब ये देखो इससे कहते हैं डर, डर बहुत बड़ी चीज होती है। आ गई भैया, कह रही हैं बहुत डर लग रहा था, डर लग रहा था, डर तो लगेगा ही। बोलते तो भैया देखो वो बच्चे लोग मछली मार रहे हैं, पीछे आप देख सकते हैं नदी भी बिल्कुल सूख चुकी है, जिसकी वजह से मछली भी क्या करें कहाँ जाएंगी, इसकी वजह से वो बच्चे भी देखो मछली पकड़ रहे हैं नदी में, छोटे छोटे बच्चे हैं देखो बिल्कुल। तो भाई मैं चलता हूँ, गाड़ी लेके आता हूँ मेरी, अब देखते हैं इनकी गाड़ी कैसे निकलेगी, और ये बहुत हमारी मजाक बना रहे थे। देखो समर के आना, समर के तो दोस्तों हम अपनी गाड़ी बाहर निकाल के ला चुके हैं। दोस्तों ये हमारा इसी पटरी का दूसरा ब्लॉग है, जो कि हमने इससे पहले भी डाला था, मम्मी जी थी था साथ में, है ना, तो भी इन्हें काफी डर लग रहा था, और हमारे उज्जवल बाबू भी साथ में थे। तो अब चलते हैं भाई, धूप बहुत पड़ रही है। उज्जवल बाबू कहाँ, पीछे बैठोगे आगे? आगे बैठोगे? आगे, ये तो आगे की दीवाने हैं, तो चलते हैं फटाफट। रोड बहुत खराब है यार, इस तरह की रास्ता है, अरे धूल बहुत है, नीचे दिखाना, देखना दोस्तों धूल बहुत है, धूल, गाड़ी फंस गई। मेरे दोस्तों मौसी जी के यहाँ पे आ चुके हैं, ये हमारी भाभी जी मौसा जी, तो देखो है, और ये हमारा चल रहा है नाश्ता, अभी कोल्ड ड्रिंक है स्प्राइट, तो काफ़ी ठंडी है भाई, एकदम गरम गरम आए थे और ठंडे हो चुके हैं, और हमारे मौसा जी हैं ये, जो कि काफ़ी दिनों से बुला रहे थे भाई। आड़ू की दावत दी है, पता नहीं आज क्या क्या दावत होने वाली है। यहाँ पे देख सकते हो पेड़ है, एक आम का, आम के पेड़ के नीचे ऐसे जंगल में बैठे हुए होते हैं ना, खुला हुआ घर है यहाँ पे, और काफ़ी आनंद आ रहा है, एकदम खुली ऑक्सीजन और खुली हवा आ रही है, एसी महल की तरह। भाई गर्मी तो नहीं लग रही है यहाँ पे, तो पी लेते हैं। तो हमारे मौसा जी बहुत ज़बरदस्ती कर रहे हैं, कह रहे हैं बाजार चलो बाजार चलो, हम कह रहे हैं भाई रुक नहीं पाएंगे, तो कह रहा है अभी चलो भाई, बीच दोपहर में देख रहे हैं ना धूप किस तरह की पड़ रही है, तो ये खाते दादे करेंगे, हम मना खाते यहाँ, तो भाई आपके सामान है ना मौसा जी, क्यों? हाँ तो भाई जाना पड़ेगा जाने पड़ेगा, हाँ समझ सकते हो भाई, बाजार करने जाना है तो बाजार का मतलब तो समझ सकते हो, खुल के बताने को जरूरत नहीं है। इधर आड़ू की बात कर रहे थे ना, तो कुछ ये देखो भाई, देख लें कि सड़े हुए तो ना,
तो चलते हैं भाई बाजार की ओर हम। तो ये है दोस्तों यहाँ की छोटी सी बाजार जो आप देख रहे हैं, बाजार में आ चुके हैं। अब यहाँ से फटाफट बाजार करते हैं और चलते हैं जल्दी घर की ओर भाई, घर पे ही निकलना आज ही हमें। और इधर ये आड़ू तोड़ते हुए भाई, ये तो ये कह रही है आ जाओ दोस्तों खा लीजिए आलू। अब इसे यही पता नहीं है आलू है या आड़ू है, क्या है ये? आलू तो आलू क्यों कह रही हो? वाओ, अबे जितने ये पके पके आलू हैं दोस्तों, अभी हम ये सब तोड़ के ले जाने वाले हैं। भाई बारिश आ गई बहुत तेज, तो अभी थोड़ा देर बाद तोड़ेंगे। आंधी और बारिश आ चुकी है। और इधर देखो, ये आ जाओ आलू खा लो, बुला लो। तो इधर माँ और बेटे दोनों देखो अंधाधुंधी से आलू तोड़ने पे लग चुके हैं। तो हमारे शेर खान भैया देखो, तबाकी चाहे आप शेर खान भी कह सकते, देखो इधर हलवे चल रहा है आज, अगर चलेगा समझो मुझे भूख लग गई। और इधर हमारे मौसा जी नाराज हो रहे हैं हम क्योंकि घर जा रहे हैं, और ये कह रहे हैं आज अगर तुम चले गए तो हमसे बड़ा कुछ होगा। क्या कह रहे हैं मौसा? वैसे हम छूना भेजन के आज, अब सोच लो दिल्ली वाले तुम्हारे से। कुछ इस तरह का है हमारा प्यार मोहब्बत जो कि आप देख रहे हो। बेटा सुबह चली गई नहीं, चाय मत पियो। हाँ तो अब मैं जा रहा हूँ घूमे आऊँ। हाँ आड़ तोड़ लियो, अरे सब टूट जाएंगे, सब टूट जाएंगे ना, सब दसूं तोड़ गए। और बेटा ज्यादा तुम्हें जो टेंशन हो तो भाई रोक यूँ ना रहा हूँ, बताऊँ मम्मी दावत में जाएंगी ना तो रुक जाते हैं। कमुना जाएंगी दावत में, बात कर ले रहे हैं, नंबर है जी आप ना, नंबर दे दीजिए मेरे। तो दोस्तों ये चीजें मैं इसलिए दिखा रहा था, आप समझ सकते हो रिश्तेदारी सबकी होती है, कुछ खास रिश्ते ऐसे होते हैं जो कि काफी करने पड़ जाते हैं, जैसे आप समझ सकते हो किस तरह की बातें कर रहे हैं कि जाने नहीं देंगे ऐसा वैसा। काफी जो है हमारी प्यार मोहब्बत है, बाकी आप पीछे देख ही सकते हो हमारे बड़े भैया है, ये लोग आज हमें जाने नहीं दे रहे हैं। तो देखते हैं भाई आज घर पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। भाई हम तो प्रयास कर रहे हैं, मौसा जा रहे हैं यार, जब तेरे मौसा जिंदा है जाके सकते है। अब बताओ ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं, और मेरे को बहुत सारा काम है क्योंकि आप तक वीडियो एडिटिंग करके ही पहुंचाना है, और मौसा जी इस चीज को समझ नहीं रहा है। महीना मारो दो महीने मारो मंजूरी, साल दो साल मारे मैं भेज कैसे दूंगा, आप समझ सकते हो दोस्तों। बाकी हमारे जैसे हमारे पापा है वैसे हमारे मौसा जी है, क्यों मौसा जी और क्या, बाकी बहुत गुड आदमी है ये भाई। देखो देसी ब्लॉग है ये, देसी तो देसी है देसी तो, देसी। और इधर देखो हमारे भैया कह रहे हैं देसी तो है, हौसला तो है कुछ। हाँ ये बात है, है? ये बात मानेंगे भाई, भाई देसी तो देसी है, हौसला भी है। और इधर हमारे भैया जी देखो हलवा खिला रहे हैं। अगर भाई अगर रहने की कोई बात आया तो बाहुबली से कम नहीं है हमारे भाई। भाई जाने के लिए हम इसलिए बोल रहे थे, हमारे उज्जवल बाबू की जो है स्वास्थ्य ज्यादा ठीक नहीं है, इनकी पोटी वगैरह ज्यादा चल रही है, इनको दादा तो है मौजूद हाँ ये है, ये जाने नहीं देना, कह रहा दवा लेवा के मैं लेके आ रहा हूँ। तो भाई देखते हैं आज घर पहुँचते नहीं पहुँचते। और ये चिमकांडे सबसे ज्यादा खतरनाक आदमी है, जहरीला नाग है ये। इससे अगर कोई रहने आ जाए तो भाई टक्कर नहीं लेगा कोई, ये छोटा पुष्पा राज है भाई। आज घर जा ही रहा है, जाना से घर दोस्त, कोई दिक्कत है कोई परेशानी है मैं लेकर आ रहा हूँ। भाई प्यार मोहब्बत सबकी होती है और ऐसी रिश्तेदारी होती है, बाकी रिश्ते जो होते हैं ना हमारे
वो आने जाने से ही बनते हैं, प्यार मोहब्बत जो भी होती है। और आप जो पीछे देख रहे हैं ये हमारी भाभी जी हैं, जैसा कि बहुत सारा काम करती हैं। इतने बड़े एक बीघा खेत है ये, एक बीघा पूरा घर है, और पूरे घर को संभालती हैं भाभी जी। देख ही सकते हो झाड़ू पोछा। भाई शहर वालों का क्या होता है, अगर एक रूम हो उसमें, अगर एक रूम हो ना और उसमें कह दिया जाए कि भाई साफ सफाई कर दो, तो बस उसी में ही वाईफाई लगाती रहेंगी और कहती रहेंगी हमसे ना होगा। तो भाई देसी तो देसी होते हैं गांव वाले, ये कैसे कर बिलाजी। हेलो करो, हेलो हेलो, हाय हाय करो, बाय करो, हाय फिर करो, हाय हाय। हमारे बाबू के अभी चोट लग गई थी यार, इस कारण में जाना पड़ रहा था। दोस्तों देख सकते हो हमने बहुत सारे आलू जो है पेड़ों से जो है हिला चुके हैं, आप देख ही सकते हो थैला या फिर गड्ढा बनने वाले हैं अभी टकाटक, और अभी चलने की कोशिश करते हैं यहाँ से। आ जाइए खा लीजिए आलू और थोड़े हिला लेते हैं इस तरह से। और ये तो दोस्तों इसकी देखना, दोस्तों इसकी देखना, ये तो बाल्टी लेके आ गया, ये तो बाल्टी लेके आ गया पहले ही भरने के लिए। कितना लेके जाओगे भाई? बाल्टी लेके आया है चारों तरफ जो है हिला के बिल्कुल हिलान कर दिया है, और सारे आलू जो थे वो नीचे गिरा दिए थे पके पके हिला हिला के इस तरह से। अब जल्दी जल्दी इकट्ठे करते हैं, 10-5 किलो तो हो ही गए होंगे, अब निकलते हैं जल्दी से। आप देख ही सकते हैं दोस्तों हमने पूरी बाल्टी भर के जो है आलू तोड़ चुके हैं, तोड़े हैं हिलाए, तो भाई ये पूरी बाल्टी भर। तो आ जाइए दोस्तों खा लीजिए आलू, देख रहे हो कम से कम 10 किलो तो होंगे होंगे, 10 किलो नहीं तो 8 किलो तो हैं। तो ये 8 किलो आलू हमने यहाँ पे तोड़ चुके हैं, पूरा पूरा पेड़ देख रहे हैं एकदम बंजर कर दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना, इस तरह के कंटेंट हम हमेशा लाते रहेंगे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।